Hello guys, my name is Preeti from TCA Training and Developments. Today we are going to start a demonstration on AutoCAD. So let's get started. AutoCAD, what is the full form of AutoCAD and why we use AutoCAD? सबसे पहले हम देखते हैं कि AutoCAD होता क्या है, इसका यूज हम क्यों करते हैं, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ती है और ऐसा क्या है इसमें. तो सबसे पहले देखने के लिए AutoCAD की फुल फॉर्म क्या होती है, पहले हम वो देखेंगे. AutoCAD. ऑटो, व्हाट डू यू मीन बाय AutoCAD? AutoCAD के फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक. CAD, CAD. CAD में C का मतलब होता है कंप्यूटर, A का मतलब होता है एडिट, D का मतलब होता है डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग. सो बेसिकली AutoCAD का मतलब होता है ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडिट डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग. सो AutoCAD में हम किस टाइप की ड्राइंग बनाते हैं? AutoCAD में हम 3 मोड्स ऑफ ड्राइंग बनाते हैं. 2D, आइसोमेट्रिक एंड 3D. AutoCAD हैव 3 टाइप ऑफ वर्क स्पेस. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, एंड सेकेंड इज 3D बेसिक, एंड थर्ड इज 3D मॉडलिंग. 3 टाइप ऑफ वर्क स्पेस इन AutoCAD. ड्राफ्टिंग एनोटेशन मीन्स 2D. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन. ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन मीन 2D. व्हाट डू यू मीन बाय 2D? 2D इज 2 डायमेंशंस. फुल फॉर्म ऑफ 2D इज 2 डायमेंशंस. बट वट इज द 2 डायमेंशन? 2 डायमेंशन, वो 2 डायमेंशन होती कौन सी हैं जो 2D में यूज होती है? उनका नेम क्या है? उनका नेम है एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई इज द 2 डायमेंशन वी यूज इन AutoCAD 2D. फुल फॉर्म ऑफ 2D इज 2 डायमेंशन. बट वो 2 डायमेंशन है कौन सी जिनका हम यूज करते हैं AutoCAD 2D के अंदर, उनका नेम क्या है? 2 डायमेंशन का नेम है एक्स एंड वाई जो 2D में यूज होती है. आगे हम बात करते हैं 3 डायमेंशन की. 3 डायमेंशन में 3D जिसकी फुल फॉर्म होती है 3 डायमेंशन, एंड डायमेंशन आर एक्स वाई एंड जेड. जेड डिनोट हाइट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकेंड वी डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेट सिस्टम. व्हाई वी यूज कोऑर्डिनेट सिस्टम? कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करने से होता क्या है कि हम विदाउट माउस वर्क कर सकते हैं. जब हमारे पास माउस नहीं है, हम कीबोर्ड से भी यहाँ पे ड्राइंग बना सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू. तो AutoCAD में कितने टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं और कब हमें कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना होता है, उसके बारे में आज डिस्कस हम करते हैं. तो कोऑर्डिनेट सिस्टम AutoCAD के अंदर होते हैं 2 टाइप के. फर्स्ट होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम. एंड सेकेंड रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम. रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के भी 2 टाइप होते हैं, रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. रिलेटिव रेक्टेंगुलर एंड सेकेंड इज रिलेटिव पोलर. देयर आर द कोऑर्डिनेट सिस्टम वी यूज्ड इन AutoCAD. सो अभी हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज क्या होता है और वो कैसे यूज किया जाता है, इसके फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में. एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का फॉर्मूला है x, y. ठीक है, सो बेसिकली हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं ड्राइंग का, जिससे कि हमें एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम इजीली समझ आ जाए. तो इसके लिए हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं जो कि हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं आगे. ये मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, यहाँ पे 100 बाय 50 का मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट किया है.
उसके मैंने पॉइंट्स के नेम लिख लिए। अब इससे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहती हूँ, क्या आपने पहले ग्राफ के बारे में पढ़ा है या कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है जो हमारे 9th-10th के क्लासेस में आता है, जिसमें कि हमें यहाँ पे इस तरीके की एक्सिस मिलती है, जो ये एक्स एक्सिस होती है और जो वर्टिकल एक्सिस होती है वो वाई होती है, एंड जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है वो एक्स एक्सिस होती है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर मैं ये जो पॉइंट्स होता है सेंटर पॉइंट, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू ही जीरो होती है। सो सबसे पहले हम एक्स में अगर मैं राइट की तरफ जाती हूँ ओरिजिन से, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और अगर मैं वाई में अप टॉप की तरफ जाऊंगी तो यहाँ पे y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर मैं x में लेफ्ट साइड में जाती हूँ तो y की x की वैल्यू नेगेटिव होती है, और अगर हम डाउन की तरफ आते हैं तो y की वैल्यू नेगेटिव होती है। सो इसमें क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम x और y की बात करें तो दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, x भी पॉजिटिव होता है एंड y भी पॉजिटिव होता है। एंड अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो x नेगेटिव होता है एंड y पॉजिटिव होता है। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो दोनों ही नेगेटिव होते हैं। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो x पॉजिटिव होता है एंड y नेगेटिव होता है। ओके, सो बेसिकली ये एक बेसिक नॉलेज होती है जो हमारे इंजीनियरिंग कंप्लीट करते टाइम तक, या हमने तब तक 12th किया होता है तब तक हमें ये नॉलेज होती है, ठीक है। सो अगर नहीं भी होती है तो अभी आपको ये पता लग गया होगा कि कैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करेंगे आगे इसको देखते हुए। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले अब इसमें हम ये ड्राइंग बनाते हैं, तो ड्राइंग बनाने के लिए हम अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम को इरेज कर रहे हैं। तो बेसिकली सबसे पहले मुझे लाइन कमांड से ये बन रहा है, तो लाइन कमांड के लिए जाना पड़ेगा। लाइन कमांड के लिए अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो एल एंटर करते हैं हम लाइन कमांड के लिए, एल एंटर, एल एंटर इज फॉर लाइन कमांड। जैसे हम लाइन कमांड स्क्रीन पर देते हैं तो क्या बोलते हैं, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट देने के लिए भी मुझे माउस यूज ही नहीं करना है। अब विदाउट माउस मैं फर्स्ट पॉइंट कैसे लूंगी, कीबोर्ड से। कीबोर्ड से मुझे अब डालना क्या होगा, किस फॉर्मेट में डालना होगा। कीबोर्ड से मुझे डालना है x और y की वैल्यू, पहले x कॉमा y। अभी अगर मैं इस ड्राइंग को स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं ओरिजिन से स्टार्ट करूंगी। ओरिजिन के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स का साइन बना देती हूँ। मैं इस ड्राइंग को ओरिजिन से स्टार्ट करूंगी। ओरिजिन से स्टार्ट करने के लिए ओरिजिन पे x और y दोनों की वैल्यू ही जीरो होती है। सो बेसिकली l एंटर किया एंड फर्स्ट पॉइंट लेने के लिए 0.0 किया, जो कि हम A पॉइंट पे जाने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद मुझे A से B की तरफ जाना है, B पॉइंट पे जाना है, तो मैं क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करूंगी। अगर मैं B की तरफ जा रही हूँ, अगर यहाँ पे मैं एक कोऑर्डिनेट का साइन बनाऊँ तो इससे मुझे क्या पता लग रहा है कि मैं B की तरफ किस पे जा रही हूँ, x एक्सिस पे। x एक्सिस के लिए मैं क्या कोऑर्डिनेट यूज करूंगी, कितनी वैल्यू दी हुई है x की, 100। तो यहाँ पे हम लेंगे x की जगह 100 कॉमा y। y में अभी हमने कोई मूवमेंट नहीं किया है, y की वैल्यू जीरो हो जाए, x कॉमा y। अब हम a पॉइंट से b पॉइंट तक पहुंच गए हैं, अब b से हमें जाना है c पे। तो बेसिकली एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें ये डालना होता है कि हम किस पोजीशन पे हैं और कहाँ हमें जाना है। तो अभी जिस पोजीशन पे है वो है हम x में 100, और अभी हमें जाना कहाँ पे है, y में 50 भी जाना है। तो नेक्स्ट C पॉइंट पे जाने के लिए जो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे वो होगा 100, 50, बिकॉज 100 हमारी अभी यहाँ की पोजीशन है, और C पॉइंट पे जाने के लिए हम वाई में 40 जा रहे हैं, y में 50 जा रहे हैं यहाँ से। तो ये हमारा y के ऊपर की तरफ जाते हैं, तो y पॉजिटिव में जा रहे हैं। C पॉइंट पे जाने के लिए 100, 50 हो गया। C के बाद मुझे D पॉइंट पे जाना है अगर, तो D पॉइंट के लिए मैं C से नेगेटिव की तरफ आ रही हूँ। अगर मैं ओरिजिन से देखती हूँ तो मैं नेगेटिव की तरफ आ रही हूँ। अगर मैं x में नेगेटिव की तरफ जा रही हूँ तो यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट डलेगा, इससे पहले हमें देखना होता है कि हमारे पास इससे पहले वाले पॉइंट यानी कि C पे x में क्या वैल्यू है, 100, और अभी हम C से D की तरफ जा रहे हैं कितना, 100। तो 100 इस वाले 100 में से हम उस 100 को माइनस कर दें, 100 में से 100 गया, 0 हो गया।
तो अभी हमारे पास x की वैल्यू हो गई 0, कॉमा y की 50. y का सेम रहा क्योंकि y ने अपने मूवमेंट नहीं किया. अभी d से वापस मेरे को a पे आना है. अब d से a पे आ रहे हैं तो आप यहाँ देख सकते हो ऊपर से नीचे जाएंगे तो y की वैल्यू तो नेगेटिव है, तो यहाँ भी नेगेटिव होगा. तो नेगेटिव क्या होगा और किस में से होगा, जो इससे पहले वाले पॉइंट यानी कि d पॉइंट पे हमारे पास y में क्या वैल्यू है 50, और 50 में से अब मेरे को माइनस कितना जा रही हूँ 50, तो 50 में से 50 माइनस हो जाएगा. एंड वापस a पे जाने के लिए x तो ऑलरेडी 0 था और y अब इसमें 0 हो जाएगा, और हम फिर से इसी पॉइंट पे आके मिल जाएंगे और ये रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा. दिस इज द एब्सोल्यूट क्वाड्रेटिक सिस्टम. नेक्स्ट रिलेटिव क्वाड्रेटिक सिस्टम. रिलेटिव क्वाड्रेटिक सिस्टम के दो टाइप होते हैं. फर्स्ट होता है रिलेटिव रेक्टेंगुलर क्वाड्रेटिक सिस्टम. सबसे पहले हम इसमें रिलेटिव रेक्टेंगुलर क्वाड्रेटिक सिस्टम के बारे में. रिलेटिव रेक्टेंगुलर क्वाड्रेटिक सिस्टम का फॉर्मूला है एट द एक्स कॉमा वाई. एट द एक्स कॉमा वाई, इसमें हमने एट द का यूज किस लिए किया है? एट द का यूज मैंने इसमें इसलिए किया है ताकि मैं हर किसी पॉइंट को ओरिजिन बना, मुझे 0,0 से ही स्टार्ट करने की जरूरत ना पड़े. अब मैं इसमें एक ड्राइंग ले लेते हैं. ये 100 दिया हुआ है, ये 60, ये 20 एंड ये भी 20. जो ड्राइंग में मुझे यही गिवन है, अब मुझे ये वाली साइड डी से ई और ई एंड एफ मुझे खुद से कैलकुलेट करना है. तो अगर मैं पहले x में देखूं, x टोटल 100 है, 100 में से मुझे 20 माइनस आ रहा है तो यहाँ पे कितना बचा 80. ऐसे ये 60 है, 60 में से ये 20 माइनस हुआ तो यहाँ पे 40. तो सबसे पहले ऐसे हम स्टार्ट करते हैं a पॉइंट लेने के लिए. a पॉइंट पे जाने के लिए मेरे को इसमें एट द लगाना है, और एट द के बाद ज़रूरी नहीं है कि मैं इसे 0,0 से ही स्टार्ट करूँ. के लिए मैं कोई भी वैल्यू ले सकती हूँ, 2,3, 3,4, 10,10, 100,100, एनीथिंग. तो मैंने यहाँ पे वैल्यू ले लिया अभी 10,10 फॉर गिविंग फर्स्ट पॉइंट. ए पॉइंट के लिए मैंने यहाँ पे 10,10 एट द 10,10 लिया. इसके बाद मुझे बी पे जाना है. बी पे जाने के लिए अब मैं किस साइड जा रही हूँ बी में? एक्स की तरफ 100, तो इसमें सेम होगा लेकिन एट द लगेगा. एट द 100,0. बी से सी पे जाना है, सी के लिए भी एट द, लेकिन अभी क्या होगा, रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एट द लगने से हर पॉइंट ओरिजिन हो जाता है, तो इसीलिए मुझे इसमें अगर मेरे को सी पॉइंट पे जाना है तो 100,60 नहीं डालना पड़ेगा. अब मेरे को इसमें जो एक्स की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी. जिस वैल्यू पे मैं जा रही हूँ, जिस एक्सिस पे मैं जा रही हूँ, वही एक्सिस जलेगी एंड बाकी का 0 हो जाएगा. तो अभी मैं सी पॉइंट पे जाने के लिए वाई में मुझे 60 जाना है, तो एक्स ऑलरेडी 0 हो जाएगा, 0,60. सी के बाद मुझे डी पे जाना है, तो डी के लिए ये 20 जाना है, 20 नेगेटिव में जाना है, तो नेगेटिव के लिए इसमें हमें एट द -20,0. एट द -20,0, क्योंकि हम जिस वैल्यू में जाते हैं वही चलेगा. अगर नेगेटिव में जा रहे हैं तो बस उसके आगे एक माइनस का साइन ऐड होगा और कुछ ऐड नहीं होगा, और जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वही डायरेक्शन चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा. डी के बाद अभी हमें ई पॉइंट पे जाना है. ई पे हम वाई नेगेटिव में जा रहे हैं, तो वाई नेगेटिव होगा. एट द 0,-40 क्वाड्रेंट इसमें. अब डी के ई के बाद हमें एफ पे जाना है, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा. एक्स एक्स क्या है, माइनस में जा रहा है, तो एक्स 80 है, तो इसमें हो जाएगा 0,-80. इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं एट द -80,0. एफ से हमें वापस ए पे जाना है, तो ए के लिए हम इसमें जो क्वाड्रेंट यूज करेंगे, एट द वाई में माइनस जा रहे हैं तो एक्स 0 हो जाएगा और -20. इसमें हम वापस से ए पॉइंट पे आके मिल जाएंगे, तो हमारा ये ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा. रिलेटिव रेक्टेंगुलर क्वाड्रेट सिस्टम का फॉर्मूला इसमें ये लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूले में वैल्यूज को हमें पुट करना है, और विदाउट माउस हम ये ड्राइंग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन प्रैक्टिकल. सो सबसे पहले हम इस ऑटोकैड को जब स्टार्ट करते हैं तो हमारी ये जो वेलकम स्क्रीन यहाँ पे शो होती है, यहाँ से हमें ऑटोकैड का ड्राइंग जो है स्टार्ट कैसे करना है. स्टार्ट ड्राइंग पे मुझे क्लिक करना है, और यहाँ से मुझे
अभी ये बाय डिफॉल्ट लेआउट ओपन हो रहा है, बट मुझे मॉडल स्पेस में जाना है। एंड अभी मेरी ग्रिड्स ऑन नहीं है, ग्रिड्स ऑन हम यहाँ से भी कर सकते हैं स्टेटस बार से, एंड F7 हम ग्रिड्स ऑन करने के लिए कर सकते हैं शॉर्टकट। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें स्क्रीन के बारे में पता होना चाहिए कि यूजर इंटरफेस ऑफ ऑटोकैड में क्या क्या चीजें होती है और किसका क्या काम होता है। तो सबसे पहले ऊपर होता है टाइटल बार, जिसमें हमारे सॉफ्टवेयर का नेम एंड ड्राइंग का नेम होता है। आप यहाँ पे इस टाइटल बार को एडजस्ट भी कर सकते हो, अगर आपको ऊपर नहीं रखना तो कहीं और भी रख सकते हो। इसके साइड में होता है क्विक एक्सेस टूल बार, जिससे हमें जल्दी से एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं, न्यू फाइल ओपन करनी है या पहले से कोई फाइल सेव्ड है उसको ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पे होता है एप्लीकेशन बार, एप्लीकेशन बार को आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, इसको ड्रॉप डाउन बटन बोलते हैं, अगर इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से न्यू फाइल ओपन कर सकते हो, ऑलरेडी जो सेव्ड है उसको ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो, सेव एज कर सकते हो, फाइल इम्पोर्ट करनी है या वाली फाइल कहीं एक्सपोर्ट करनी है तो हम यहाँ से ये वाले ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये होता है हमारा रिबन बार, रिबन बार के अंदर होम टैब, इंसर्ट टैब, एनोटेट टैब, इसे हम टैब बोलते हैं, और इसके बाद इसको हम पैनल बोलते हैं, ड्रॉ पैनल, मॉडिफाई पैनल, एनोटेशन पैनल, लेयर्स पैनल, इसको हम फाइल टैब बोलते हैं, जहाँ पे हमारी ड्रॉइंग वन एंड ड्रॉइंग थ्री हमें जो शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम ड्रॉइंग वन पे क्लिक करेंगे, एंड अभी मुझे इसमें ड्रॉइंग वन पे क्लिक किया एंड मैंने मॉडल स्पेस पे, मॉडल स्पेस में क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो अब मुझे इस ड्रॉइंग में समझना पड़ेगा कि अगर मुझे कोई कमांड टाइप करनी है तो वो कहाँ पे होगी, कमांड लाइन, कमांड लाइन एंड कमांड बार हम इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे यूनिट सेट, यूनिट सेट करने के लिए हमें जो शॉर्टकट यूज करना है वो करना है कमांड बार में टाइप UN और उसके बाद हम एंटर भी प्रेस कर सकते हैं, एंड जो आपका स्पेस है स्पेस बार को भी हम यूज कर सकते हैं एंटर की तरह। UN एंटर किया तो हमारे पास यहाँ पे ड्रॉइंग यूनिट के लिए एक पैलेट ओपन हो गया, जिसमें कि हमें यहाँ पे ड्रॉइंग यूनिट के टाइप दिए हुए हैं, यहाँ पे फाइव टाइप्स ऑफ यूनिट्स यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें से कि अगर आप डेसिमल ले, जिसमें से आप यहाँ से प्रिसीजन से पॉइंट्स के बाद आपको कितने डिजिट्स चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको पॉइंट्स के बाद डिजिट नहीं चाहिए तो आप सिंगल जीरो को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपका आ रहा है यूनिट टू स्केल इनर्शन कॉन्टेंट, मतलब कि मैंने आपको बता तो दिया कि डेसिमल के अंदर मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एंड मीटर आ जाता है, लेकिन उसमें से आप एक ही यूनिट ले पाओगे एक टाइम में, तो यहाँ से आप वो बेसिक यूनिट सिलेक्ट करोगे जो आपको एक यूनिट यूज करनी है। सो मैं यहाँ पे अभी ले रही हूँ मिलीमीटर, और उसके बाद मैंने यहाँ से कर दिया ओके। ओके करने के बाद मैं यहाँ पे चेक करना चाह रही हूँ कि मैं जो यूनिट दी है उसके अकॉर्डिंग मेरी ड्रॉइंग कैसी बन रही है। तो सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे लाइन कमांड, लाइन कमांड के लिए आप रिबन बार में से लाइन कमांड ले सकते हो ड्रॉ पैनल में से, या फिर आप यहाँ पे शॉर्टकट एल एंटर कर सकते हो लाइन कमांड के लिए। अब इसके बाद आपको कमांड बार को फॉलो करना है, उसमें पढ़ना है कि वो क्या पूछ रहा है। इसमें बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपको अपने स्क्रीन पे मैंने माउस से क्लिक करके फर्स्ट पॉइंट दिया, एंड अभी आप देख रहे हो कि मेरी जो ड्रॉइंग, मेरी जो लाइन है वो ऑल डायरेक्शंस में जा रही है, जबकि मेरे को ये बिल्कुल स्ट्रेट बनानी है। स्ट्रेट अगर आपको लाइन बनानी है तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऑर्थो ऑन करना होता है, जिसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक मोड। ऑर्थोग्राफिक मोड से होता क्या है कि मेरी जो लाइन है वो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 एंड 270 डिग्री पे ही ट्रैक करेगा, उनके बीच वाले जो एंगल्स होते हैं उस पर मेरी लाइन ट्रैक नहीं करेगी। तो उसके लिए ऑर्थो ऑन करने के लिए आप स्टेटस बार से ये जो परपेंडिकुलर का साइन होता है, ये ऑर्थो ऑन एंड ऑफ का होता है, ये टॉगल बटन्स होता है। अगर आप यहाँ से नहीं ऑन करना चाहते हो, शॉर्टकट यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे F8 प्रेस कर सकते हो ऑर्थो ऑन करने के लिए। F8 किया, ऑर्थो ऑन हो गया, और अभी ये बोल रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट के बाद, तो मुझे इस लाइन को डायरेक्शन देनी है पहले किस साइड मुझे लाइन चाहिए, और मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ मुझे लाइन सपोज चाहिए 100 mm का, तो मुझे यहाँ पे ओनली 100 ही टाइप करना है क्योंकि mm में पहले ही सेट कर चुकी हूँ। 100 किया एंड एंटर कर दिया, और इसके बाद अभी मेरी जो लाइन है वो मुझे विजिबल नहीं हो रहा है, पहले तो कमांड से बाहर आना है, कमांड से बाहर आने के लिए मुझे इसमें एस्केप प्रेस करना है, और कमांड से बाहर आने के बाद अभी जो लाइन है वो मुझे काफी छोटी नजर आ रही है, उसको जूम करने के लिए आप यहाँ पे व्यू क्यूब में से टॉप पे क्लिक करोगे, टॉप पे क्लिक करोगे तो आपकी लाइन यहाँ पे जूम हो जाएगी। अभी मैं इसकी यूनिट सेट करना चाहती हूँ कि अभी जो यूनिट है मैंने डाली है वो मैं चेक करना चाहती हूँ कि ये ठीक हुई है या नहीं,
तो उसके लिए मुझे डायमेंशन चेक करनी होगी। डायमेंशन चेक करने के लिए मुझे DIM प्रेस करना होगा या फिर यहाँ पे जो एनोटेशन पैनल है इसमें से डायमेंशन में जाए। डायमेंशन में जाएंगे तो दो तरीके से हम इसकी डायमेंशन चेक कर सकते हैं, या तो मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट देके एंड एंडिंग पॉइंट देने के बाद इसको ऊपर की तरफ ट्रैक करके रख सकती हूँ, और या फिर मैं फिर से यही कमांड लूंगी और जैसे ही मैं लाइन के सेंटर में अपना कर्सर लेके जाती हूँ तो एक बॉक्स आएगा, बॉक्स से इस लाइन के टोटल यहाँ पे डायमेंशन आ जाए। तो ये 100 दिखा रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये 100 मिलीमीटर दिखा रहा है या इंचेस दिखा रहा है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे डी एंटर डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ओपन करने के लिए, जहां से हम डायमेंशन की यूनिट को सेट करेंगे। डी एंटर किया और इसमें हम मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में प्राइमरी यूनिट्स में जाना है और यहाँ से चेक कर लेना है कि जो यूनिट्स मैंने ड्रॉइंग यूनिट की सेट करी थी वही मुझे यहाँ से डेसिमल है और ये मेरे को प्रिसीजन को सिंगल कर देना है। बस यही दो चीजें मुझे सेट करनी है और ओके करना है एंड क्लोज कर देना है। हेलो गाइस।